द क्वेश्चन इज टू कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस वैल्यू सी वन इतना एंड सी टू इतना आर कनेक्टेड इन सीरीज ओ भी सी बात है सीरीज में देगा क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है पैरेलल में तो देगा नहीं पैरेलल में तो और इजी हो जाएगा द वोल्टेज अपराइड द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज इतना द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज तो बेटा देखो आपको डेल्टा ई डिवाइड बाई ई इंटू हंड्रेड परसेंट निकालना है एनर्जी अब कैपेसिटर में सी और वी दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मला लगेगा बेटा एनर्जी के तीन फॉर्मुले हैं कैपेसिटर में तो यहां पर सी और वी है तो आपका बेसिक फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर ही लगने वाला है ठीक है चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें निकालना क्या है पहले हम ये लिखा लेते हैं फिर उसके अंदर सारी वैल्यू डालेंगे हमें एनर्जी दिया होता है कैप्सर का हाफ सी वी स्क्वायर हमें परसेंटेज अगर इन एनर्जी निकालना है तो हमें निकालना है डेल्टा ई डिवाइड बाई ई इन हंड्रेड परसेंट ठीक है यही निकालना है तो बेटा हाफ ये तो कॉन्स्टेंट है इसको तो हम हटा देते हैं सी वी स्क्वायर तो ये हो जाएगा डेल्टा सी डिवाइड बाई सी प्लस टू डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इंटू हंड्रेड परसेंट ये हमें निकालना है तो पहले हमें डेल्टा सी डिवाइड बाई सी निकालना पड़ेगा और डेल्टा वी डिवाइड बाई वी तो हमें दिया हुआ है ये डेल्टा वी है ये वी है अब हमें डेल्टा सी डिवाइड बाई सी क्योंकि हमारे पास यहाँ दो कैप्सर हैं ठीक है तो अब कैसे निकालेंगे तो बेटा सीरीज में जब होते हैं दो कैपेसिटर तो इनका फॉर्मूला होता है वन बाई सी इक्वलेंट इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू एरर एनालिसिस तो यहीं से होगा अदरवाइज आप दो अगर उसमें हैं तो सी इक्वलेंट कैसे निकाल सकते हैं आप सी वन सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू तो यहाँ से तो हमारा सी इक्वलेंट निकल के आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये टू थाउजेंड इंटू थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड इंटू थ्री थाउजेंड डिवाइड बाई टू थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड तो फाइव थाउजेंड तो थ्री खत्म हो गया ये पाँच से कितनी बार जाएगा ये फोर हंड्रेड हाँ हाँ तो फोर हंड्रेड इंटू थ्री कितना हो गया ट्वेल्व हंड्रेड माइ कितना है पी को फेरेड है सॉरी पी को फेरेड तो ये आपका सी इक्विवेलेंट आ गया अब इसका कैसे करेंगे भाई तो वन अपॉन में है तो रेजिस्टेंस वाला मैंने बताया था वो याद रहना चाहिए आपको क्या मैं इसको सी इक्विवेलेंट माइनस वन सी वन का पावर माइनस वन प्लस सी टू का पावर माइनस वन लिख दूं ठीक अब क्या कर दें इसका डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस वन आगे आ गया जाएगा और सी इक्वलेंट का स्क्वायर माइनस टू डी सी इक्वलेंट यही आएगा ना ठीक है और ये आ जाएगा माइनस सी वन का पावर माइनस टू डी सी वन माइनस सी टू का पावर माइनस टू डी सी टू ठीक है अब आप एडवांस का वीडियो देखने आए हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं ठीक है माइनस माइनस सब जगह से हटा देंगे और पिछले वीडियो में बता चुका हूं अगर इन दोनों के बीच में माइनस भी बच जाता है तो भी उसको आप प्लस कर देंगे क्योंकि एरर्स जो है हमेशा एडअप होते हैं वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं डी सी इक्वलेंट डिवाइड बाई सी इक्वलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी वन डिवाइड बाई सी वन स्क्वायर प्लस डी सी टू डिवाइड बाई सी टू स्क्वायर अब ध्यान से देखिए मैं हर डी को तो डेल्टा में कन्वर्ट कर सकता हूँ ये हो गया आपका ये भी हो गया आपका और ये भी हो गया अब आपको एनर्जी निकालना है कॉम्बिनेशन के क्रॉस तो ये जो सी है बेटा ये सी इक्वलेंट ये हाफ सी इक्वलेंट ये होगा तो ये भी सी इक्वलेंट ही होने वाला है ठीक है तो हमें डेल्टा सी इक्वलेंट डिवाइड बाई सी इक्वलेंट निकालना है तो यहाँ एक सी इक्वलेंट एक्स्ट्रा है तो इस एक सी इक्वलेंट को उठा के यहाँ ले जाएंगे और कुछ नहीं करना है आपको ठीक है तो ये आपका डेल्टा सी इक्वलेंट डिवाइड बाई सी इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी ठीक है चलिए अब इसको निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी डेल्टा सीवन कितना है बेटा अपना यह है टेन और सीवन स्क्वायर यह कितना हो जाएगा सीवन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर तो टू थाउजेंड इंटू टू थाउजेंड ठीक है विजिबल है ना ये चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं फिर इरेज कर देंगे ये चीज हमें निकालनी है तो डेल्टा सीवन ये है हमारा टेन और ये हो जाएगा डिवाइड बाई टू थाउजेंड इंटू टू थाउजेंड ठीक है प्लस डेल्टा सी टू वो है हमारे पास फिफ्टीन और ये हो जाएगा हमारा थ्री थाउजेंड इंटू थ्री थाउजेंड क्या करना है बेटा हमको सी इक्वलेंट वो कितना था हमारा बारह सौ ठीक है पीको पीको में ही चल रहा है तो पीको में रहने दीजिए उसको कोई दिक्कत नहीं ये एक जीरो से एक जीरो गया ठीक है और ये दो जीरो से ये दो जीरो गए तो यहां से ये दो जीरो भी हटा दिए ठीक है तो ये बचा आपका वन डिवाइड बाई फोर थाउजेंड प्लस पंद्रह से कितनी बार जाएगा ये ये पंद्रह से तीस गया दो बार तो ये हो गया वन डिवाइड बाई सिक्स थाउजेंड इंटू बारह इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसको हम यहाँ कर देते हैं ये तो कॉपी कर ही लिया होगा आपने तो इसको हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा सा ठीक है फ़ोन साइज़ बढ़ा दी गई है इसलिए थो, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है साइज का ए, स्पेस का सो फोर और सिक्स का हो जाएगा बेटा अपना ट्वेंटी फोर अब बारह ले लो सो तो ये हो जाएगा अपना एलसीएम कितना हो जाएगा बारह तो बारह हज़ार ले लेते हैं इसको तो चार हज़ार से बारह हो गया तीन बार सो so थ्री प्लस ये हो गया टू इंटू ट्वेल्व तो ट्वेल्व से ट्वेल्व गया वन थाउजेंड टाइम्स और ये हो गया फाइव बाई थाउजेंड कितना हो गया ये आपका फाइव बाई थाउजेंड तो पूरे स्टम का वैल्यू कितना आया आपका फ़ाइव बाई थाउजेंड आपको ये चीज़ निकालनी थी तो वो चीज़ निकाल लेते हैं तो डेल्टा सीक्वलेंट डिवाइड बाई सीक्वलेंट ये आया आपका फाइव बाई थाउजेंट ठीक है प्लस टू डेल्टा वी है हमारा जीरो पॉइंट ज़ीरो टू ये है हमारा फ़ाइव फाइव पॉइंट जीरो जीरो फ़ाइव पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो फाइव, जिरो जिरो, फाइव, जिरो जिरो, फाइव दो क्या दिक्कत है इन टू हमें करना है हंड्रेड परसेंट ठीक है चलिए तो ये पॉइंट घटा तो नीचे सो आया ये दो जीरो और ये दो ज़ीरो और ये दो जीरो ख़त्म हो जाएगी ठीक है और इसको हटा देते हैं ठीक है सो ये हुआ हमारा फाइव बाई टेन यानी वन बाई टू और ये हमारा फोर बाई फाइव परसेंट अच्छा तो फ्रैक्शन में आएगा शायद फाइव और टू का हो जाएगा टेन तो ये जाएगा आपका फ़ाइव प्लस टू फोर जट तो फाइव और एट कितना होता है थर्टीन सो थर्टीन डिवाइड बाई टेन परसेंट यानी आपका वन पॉइंट थ्री परसेंट इसका करेक्ट आंसर आएगा ठीक so, है सो इसका करेक्ट आंसर है वन पॉइंट थ्री परसेंट ठीक है